हाय फ्रेंड्स, childa.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं उसका नाम है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, नमक, पीसी हुई काली मिर्च और तेल। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए बड़ी स्लाइस के आलू लेकर उन्हें छील लेंगे। अब इन्हें लंबे आकार में काट लेंगे। अब इन्हें पानी में धो लेंगे जिससे इनका स्टार्च निकल जाए। अब पानी में 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसमें कटे हुए आलू डालकर इसको 2 मिनट तक ढककर उबाल लेंगे। अब इसे छलनी से छान लेंगे और कपड़े पर रख कर पानी सुखा देंगे। अब इनको 1 मिनट के लिए डीप फ्राई कर लेंगे जिससे ये हल्के पक जाएं। इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे तेल टिश्यू पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाए। अब इन्हें 2 से 3 घंटे फ्रीजर में रखकर ठंडा कर लेंगे। अब फ्रीजर से निकालकर इन्हें 2 से 3 मिनट तक डीप फ्राई कर लेंगे और इन्हें प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब इनमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च मिला देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी मिला सकते हैं। इस तरह क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।